हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब टेक्निकल चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमएक्स एक्सेल के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग एमएक्स एक्सेल के अंदर सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और आपके जो है लगभग सभी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास एक डेटा है, ठीक है। मैंने एक ऐसी डेटा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम के नेम है, इस जगह क्वांटिटी है, इस जगह इसका रेट है, टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे मैंने ऐसे ही डिस्प्ले कर रखा है। अब इसके अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए फ्रेंड्स इसके वेरियस वे हैं, आप किसी भी वे में आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसी आपकी जरूरत है उस अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे होम टैब के अंदर ये ऑप्शन देखने को मिलता है, स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसको पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको इस सेल देखने को मिलती है हाईलाइट सेल रूल्स। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ग्रेटर देन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने विंडो जो है ओपन हो गई। आप यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे उस नंबर का ये बताएगा कि ये इससे ग्रेटर देन है या नहीं, तो जो भी वैल्यूज होगी उसको डिस्प्ले करेगा। तो कैसे डिस्प्ले करेगा, सबसे पहले इसको मैं कैंसिल कर देता हूं और आपको बताता हूं। सपोज कीजिए कि मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांटिटी वाली जो मेरी कॉलम है इसमें मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और ग्रेटर देन यहाँ पे चेक करता हूँ। ग्रेटर देन में जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिखा तो 20 से ऊपर वाले देखिए जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे जो है यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गए हैं। आप देख सकते हैं रेड कलर से जो भी डिस्प्ले हो रहा है ये सब ग्रेटर देन 20 है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग के अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो येलो कलर से भी फिल कर सकते हैं, लाइट कलर, रेड कलर फिल कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट का भी ऑप्शन है। आपके पास जो है कस्टम फॉर्मेटिंग आ जाएगा, कौन सा फॉन्ट रखना है, कैसा नंबर रखना है, कैसा बॉर्डर रखना है और कौन सा आपको कलर रखना है, तो आपके पास कस्टम फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन है। अगर कोई कस्टम फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने अभी फिलहाल 20 पे क्लिक किया और यहाँ पे ओके कर दिया, तो 20 से ऊपर वाले सभी सेल्स जो है मेरी यहाँ पे हाईलाइटेड हो गई है। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे पेन ड्राइव जो है 20 है, सॉरी यहाँ पे 10 है, अब मुझे 20 से ग्रेटर देन दिखाना है। अब मैं जैसे इसको मैं 30 कर देता हूं तो क्या होगा, देखिए ये खुद रेड कलर से जो है डिस्प्ले हो जाएगा। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल जो है हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं और दूसरे रूल को हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो है फ्रेंड्स, मैं जो हूँ यहाँ पे इस एंटायर शीट से ये सारे जो हमने रूल्स अप्लाई किए थे इसको मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो फिलहाल जो है इसको मैं क्वांटिटी वाली जो एक कॉलम है इसको फिर से मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद लेस देन पे क्लिक करता हूँ। तो लेस देन में अब मेरे को चेक करना है, तो लेस देन आपको जो है कम बताएगा, जैसे कि मैंने 100 पे क्लिक किया, जो भी 100 से कम वैल्यूज होंगी देखिए इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है, ठीक है। तो लेस देन आपको कम वैल्यूज दिखाएगा जो भी आप वहां पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो है हाईलाइट्स में अब बिटवीन पे आपको क्लिक करना है, बिटवीन जो है फ्रेंड्स बीच की वैल्यू बताएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ, 8 से लेके मेरे को 200 के बीच में वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 से लेके 200 के बीच में इसने मेरे को यहाँ पे वैल्यूज दिखा दी है। अब मैं यहाँ पे 8 नहीं करता हूँ स्टार्टिंग वैल्यू, अब यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ। अब 100 से लेके 200 के बीच की जो भी वैल्यूज होंगी यानी जो भी क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे मेरे को शो कर देगा। फ्रेंड्स ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इन सभी फंक्शंस का कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपकी कैसी नीड है, ये सारी चीजें जो है उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ अभी कैंसिल। तो अभी हमने यहाँ पे बिटवीन वाला देख लिया। अब इसके बाद जो है फ्रेंड्स आपके सामने इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या करेगा, आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, तो देखिए जहां जहां पे 100 वैल्यूज होंगी ना सिर्फ वही चीज दिखाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 500 मैं लिख देता हूँ, तो 500 यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे ऐसे छोड़ देगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 30 किया, तो 30 वैल्यूज जहां जहां होगी यानी जो भी वैल्यूज की इक्वल होगी, जो भी डेटा रेंज आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वहां से जो है ये आपको शो कर देगा। तो यहाँ से जो है आप इक्वल टू का जो है एक तरीके से आप ये मान सकते हैं, अगर आपको शॉर्टिंग करनी है थोड़ा कंडीशनल वे में और थोड़ा अच्छे से दिखे, तो आप सभी के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही इस्तेमाल
किया जाता है। तो आप इस चीज को देखिए, अगर मान लो आपके पास बहुत सारी टेबल है, आपको बहुत कम टाइम में डेटा शॉर्ट करना है, तो फ्रेंड्स इससे अच्छी टेक्निक जो है नहीं मिलेगी आपको एक्सेल में। ठीक है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स टेक्स्ट कंटेन डेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि पर्टिकुलर आइटम में जाते हैं और यहां से एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पे आइटम्स को सिलेक्ट किया, आइटम सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैं अप्लाई करता हूँ और टेक्स्ट कंटेन डेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसने पेन ड्राइव 32 GB, जैसे यहाँ पे पेन ड्राइव 32 GB में लिखूंगा तो जो जो टेक्स्ट उस फील्ड के साथ मैच करेगा वो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, यहाँ तो बाय डिफॉल्ट आया। अब मैं यहाँ पे आपको माउस करता हूँ तो देखिए, जैसे मैंने माउस लिखा तो माउस को यहाँ पे मेरे को शो करेगा। ठीक है, तो माउस के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ डीवीडी रोम। तो यहाँ पे आप देखिए डीवीडी रोम जहां जहां पे है वो सब डेटा जो है यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले कर रहा है। तो टेक्स्ट को आप इस तरीके से जो है डिस्प्ले करा सकते हैं, अगर उसको आपको शॉर्ट करना हो, देखना हो कि कौन सी फील्ड कहाँ पे है नहीं है, ये सब चीज के लिए जो है आपको काम आएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स डेट अकरिंग। अब इसको जो है हम यहाँ पे डेट के एग्जाम्पल से समझते हैं, तो डेट में जाते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे हम डेट अकरिंग को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स यस्टरडे, तो यस्टरडे ये दिखाएगा फ्रेंड्स एक दिन पहले का डेटा। ठीक है, आज है 2 तारीख, तो इसलिए यहाँ पे 2 यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन 2 से पहले का नहीं दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 तारीख का डेटा यहाँ पे डाला ही नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। अब देखिए इसे टूडे पे क्लिक करूंगा तो आज का बताएगा। ठीक है, 2 मार्च 2022 दिखा रहा है। अब इसे मैं टुमारो करता हूँ तो देखिए कल का बताएगा। अब इसे मैं इन लास्ट 7 डेज करूंगा तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि लास्ट 7 डेज का कोई डेटा नहीं है, उसमें से सिर्फ एक दिन का डेटा है, तो वो आज को काउंट करके चल रहा है। लास्ट वीक का नहीं दिखाएगा, दिस वीक कर लेता हूं तो देखिए दिस वीक का दिखाएगा। जो जो डेटा इसके अंदर प्रेजेंट होगा नेक्स्ट वीक करूंगा तो देखिए नेक्स्ट वीक का दिखाएगा। यानी आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा जो है अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डेट के हिसाब से भी शॉर्ट करके। अगर आपको देखना हो कि मैंने 5 तारीख को कितनी सेल करी थी, 10 तारीख को कितनी करी थी, यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप जैसे चाहे वैसे करके शॉर्ट करके बहुत आसान तरीके से जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है डुप्लीकेट वैल्यूज। अब हमें अगर अपनी फाइल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरी डेटा को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइटेड में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये वो वैल्यूज अभी आपको दिखा रहा है जो आपके इस डेटा के अंदर जो भी आपने डेटा वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है जो डुप्लीकेट्स हैं, जैसे पेन ड्राइव 32 GB, पेन ड्राइव 32 GB देखिए यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, डीवीडी रोम यहाँ पे है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है ना। तो जो जो वैल्यूज डुप्लीकेट हैं वो आपको आपकी सेल्स में जो है उसको हाईलाइट करके दिखा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को देखना है यहाँ पे डुप्लीकेट, अब मेरे को यूनिक वैल्यूज देखनी है, यानी ऐसी वैल्यू जो रिपीट ना हो रही हो, तो आप यहाँ पे देखिए ये सारी यूनिक वैल्यूज हैं जो आपकी डेटा के अंदर रिपीट नहीं हो रही है। तो आप इस तरीके से आप यूनिक वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू दोनों को ही आप शॉर्ट कर सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन है, आप सभी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से हम और समझते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ आइटम्स की लिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे को एक लिस्ट क्रिएट करनी है, जैसे कि मैं उसमें अगर कीबोर्ड या माउस को सिलेक्ट करूं तो कीबोर्ड माउस जो है मेरे पूरे डेटा में से जो है विजिबल हो जाए और उसका डेटा जो है मेरे को यहाँ पे शो हो जाए। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे करना है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स एक मैं सेक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर आइटम कर देता हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर आइटम कर दिया और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स मेरे को लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट चाहिए। अब यहाँ पे जो है इसको मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, इसके अंदर मेरे को लिस्ट जो है शो करवानी है। अब इसके अंदर मेरे को लिस्ट शो करवानी है तो क्या करना है, मेरे को डेटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेटा टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा डेटा वैलिडेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन पे। यहाँ आने के बाद जो है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको अलाउ करने के लिए पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ लिस्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सोर्स पूछ रहा है,
तो सोर्स जो है हमें फ्रेंड्स यहीं से बताना पड़ेगा। पहले आपको सोर्स पे क्लिक करना होगा और उसके बाद जो है आपको अपने डेटा पे क्लिक करना है। आपको जो जहां जहां से जो भी सोर्स देना है, यानी जो भी डेटा आपको जहां से जहां तक अपना उसको आपको सिलेक्ट कर देना है और सिंपली ओके कर देना है। अब ऐसा करने पे होगा क्या, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऑप्शन आने लग गया है हमारे पास लिस्ट का। अब इसमें से जैसे कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, पावर बैंक आ गया, जैसे मैंने पावर बैंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे पावर बैंक जो है शो होने लगेगा। ठीक है, उस डेटा को हमें यहाँ पे शो करवाना है। तो शो कराने के लिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से पूरा का पूरा डेटा जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आप सभी को होम टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है न्यू रूल। न्यू रूल के ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये लास्ट में यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो पर्टिकुलर मैं यहाँ से जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ। पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पे जो है क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे डॉलर का साइन आ रहा है, तो ये जो हमारी रो है इसको अनलॉक करने के लिए आपको डॉलर का साइन को बस हटा देना है और आगे आपको इक्वल टू का साइन लगाना है और जो ये आपकी लिस्ट है इसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। तो देखिए ये लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। और फॉर्मेटिंग के लिए आपको क्या करना है, कोई भी कलर एक सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहे तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नंबर्स भी आप दे हैं यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल ओके कर देता हूँ और इसको भी ओके कर देता हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिस्ट में जो है पावर बैंक सिलेक्ट था, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन की हेल्प से इसको यहाँ पे शो करवा दिया है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे देखना है कि कीबोर्ड कितने है हमारे पास, क्वांटिटी या कितनी परचेजिंग करी है हमने आपने। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कीबोर्ड को सिलेक्ट किया तो उसकी क्वांटिटी और कितना कितना का जो भी उसका रेट है वो मेरे को यहाँ पे शो हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं डेटा टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो डेटा टेबल का सेक्शन एक ही था, इसने मेरे को डेटा टेबल शो कर दिया। आईफोन का कवर पे अगर क्लिक करूंगा तो आईफोन के कवर पे जो भी रेट्स हैं इसने मेरे को वहां पे शो कर दिए हैं। यानी इसकी हेल्प से जो है फ्रेंड्स आप सभी जो है ना काफी अच्छे से अपने डेटा को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक अब आप जो है समझ गए होंगे किस तरीके से हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो है इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा, नहीं तो आप सभी के लिए एक अलग से वीडियो जो है जरूर बना के दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।